अस्सलाम वालेकुम ورحمت الله وبركاته जी वालेकुम सलाम ورحمت الله तमाम लोगों को जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं सबको मेरी तरफ से वालेकुम सलाम ورحمت الله टेक अ नेम्स जो हमें ज्वाइन ज्वॉइन करे हैं uh, मोहिद सिस्टर आमना यूसुफ जावेद सईद पराचा मशहूद फ्रॉम um, <coughs> कराची अभी तक तो आप लोगों को आदत होने हो जानी चाहिए अपने सिटीज uh, का नाम खुद से बता दिया करें इनशाला तो आप लोग कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर आयशा सिस्टर बुशरा सिस्टर हुमैरा ब्रदर रफीज रहमान नाहिद फ्रॉम इंडिया फ्रॉम वाकेन जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग एंड ट्यूनिंग इन गुलाम फ्रॉम रावलपिंडी रहमाना जज़ाकल्लाह खैर एवरी वन फॉर ट्यूनिंग इन उम्मीद है आप लोगों का आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा और रमज़ान का बस एंड आने ही वाला है तो अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह तारे इस रमज़ान को बेहतरीन तरीके से ख़ात्मा करवाएँ और हमारी एंडिंग बहुत बेहतरीन हो क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंडिंग इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंडिंग अल्लाह तला हम सबको बेहतरीन रमज़ान गुजारने की तौफीक दे मैं इतनी देर में इंस्टाग्राम पर भी लाइव चला जाता हूँ ताकि हमें इंस्टाग्राम से भी लोग ज्वाइन कर सकें इंशाल्लाह शाह <coughs> जी फ्रॉम जोधपुर इंडिया ज़ाकल ख़ैर, फॉर कमिंग एंड ट्यूनिंग इन एवरी वन अल्लाह को इसकी बेहतरीन जजा दें एंड आई रियली अप्रिशिएट बल्कि आप लोगों का प्रेजेंस और आप लोगों का यहाँ पे होना मुझे बड़ा मोटिवेट करता है देखिए इट्स नॉट ईजी मैंने भी कुछ अर्सा लगाया है दिन को सीखने के लिए इट्स नॉट ईजी टू लर्न नॉलेज स्पेशली घंटे के लिए बैठना पेशेंस के साथ सुनना देखिए सबर तीन किस्म का होता है ना मुसीबतों पर सबर इसी तरह से नेकी पे सबर नेकी पे सबर क्या है नेकी को कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंस के साथ करते रहना तो ये चीज बड़ी जरूरी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है तो अलहमदल्ला जो आप लोग हम लोग इकट्ठे में मिल के बैठते हैं हम जब मशा के साथ बैठे होते हैं सामने बैठे होते हैं और उनकी क्या ही बात है हैलमा से बढ़ने की क्या ही बात है हम लोग तो नहीं बता सकते उस तरह जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं हम लोग तो हमारे पास तो इल्म भी नहीं है जिस तरह वलमा के पास अलहमदिल्ला लेकिन स्टिल घंटा बैठना इट्स टफ लेट अलोन ऑनलाइन आप लोग बैठे रहते हैं अलहमदिल्ला इट इज़ सो मोटिवेटिंग फॉर माई सेल्फ एज वेल के अल्लाह ताला ने कितने कितने खैर वाले लोग रखे हुए हैं अलहमदिल्ला और देर इज स्टिल खैर इन दिस उमा वेलकम फ्राम कोट फ्राम डिफरेंट सिटीज़ जाकिल खैर

Uh, क्या सीखी या जो हमने पॉइंट्स जिक्र किए थे उनमें से सिर्फ तीन मेंशन कर दीजिए जो हमने कल डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे उनमें से सिर्फ थ्री पॉइंट्स को मेंशन कर दे इनशा ती इंस्टोग्राम पूछ रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है टॉपिक टू डे इनशा सो so, जो जो आप लोगों आप लोगो में से मुझे कल ज्वाइन कर रहे थे मुझे बता दीजिए कि आप लोग आप लोगों ने कल कोई ऐसी बातें जो कि सीखी हो ऐसी तीन बातें जो कि कल के सेशन से आप लोगों ने आ, सीखी हो इनशा तहमदिल्ला जैकलखैर फॉर योर कमेंट्स एंड जैकलखेर फॉर बींगेर जैकल मशहूद कह रहे हैं टू बी फ्लेक्सिबल पोलाइट एंड टू बी का

थी जिसने कहा था कि मेरे खलील ने मेरे दोस्त ने आ, मुझे वसियत की मुझे नसीहत की अब खुशिंग नोट लेक्चर अलहमद अलहमदिल्ला फेसबुक और यूट्यूब की आवा काफ, काफी काफी माशा हार्ड वर्गे पढ़े लिखे इंस्टाग्राम में आप लोग भी काइंडली थोड़ा सा मेहनत कर लें

लेकिन अगर किसी और को भी आप फैला दें क्योंकि जो शख्स नेकी का काम फैलाता है तो वो उसके लिए सदका जारी बन जाता है <coughs> और हम आज क्यामत के दिन के बारे में पढ़ेंगे और हमें एहसास होगा कि कितना इम्पोर्टेंट वो दिन है कि जिस दिन कितनी ही ज्यादा नकियों के मोहताज होंगे जी फॉर जॉइनिंग इन एवरी <coughs> तो डू शेयर दिस वीडियो स्टार्ट

رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين आज हम पढ़ेंगे احوال اليوم القيامه scenes on the day of judgment क्या हालात होंगे क्या वाक़ पेश आ रहे होंगे और ये वो दिन है कि वालाज़ीम आप और मैं इस दुनिया में जितने लोग आए जितने लोग आएंगे जितने लोग इस दुनिया में हैं उन तमाम लोगों ने इस दिन को एक्सपीरियंस करना है उन तमाम लोगों ने इस दिन को एक्सपीरियंस करना है आप भी खड़े होंगे और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं भी खड़ा होगा और जो लोग सुन रहे हैं जो आज तक आए और जो आइंदा आएंगे हम लोग इस दिन अल्लाह ताला के सामने ही खड़े होंगे और इस दिन नफसा नफसी का आलम होगा सेल्फिशनेस होगी बुरे हालात होंगे लोग अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे और इनशाला इस दिन के बारे में हम पढ़ते हैं और अल्लाह के वसल्लम कितना ही ज्यादा इस दिन के बारे में परेशान होते थे हम लोग अल्लाह हम लोग होप के कैसे दर्जे पे हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है सहाबा में भी होप था सहाबा में फियर भी था एंड यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू होप और फियर बराबर होना चाहिए जब होप बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसान अमल नहीं करता गुनाहों की तरफ उसका रुझान हो जाता है और जब फियर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ उसको डिप्रेशन और एनजाइटी में ले जाती है और वो चीज़ भी अच्छी नहीं है वो इंसान को लैक ऑफ होपलेसनेस की तरफ ले जाती है और इंसान परेशानी में जिंदगी गुजारता है और अमाल की तरफ या अल्लाह ताला की रहमत की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता सो इट इज अ बैलेंस बिटवीन द टू हमारे यहाँ आजकल का जो दौर है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है इसमें सम हाओ होप बहुत ज्यादा है होप इतना ज्यादा है कि इंसान नमाज नहीं पढ़े लोग कुरान नहीं पढ़े लोग नेकियां नहीं करे और गुनाहों की जिंदगी में और फिर भी कहते नजर आते हैं अल्लाह बड़ा गफूर रही है वो तो माफ़ कर देगा जैसे कि अल्लाह ताला की जो गफूर होना है गफार होना है जैसे उसकी कमजोरी है वलिया ये अल्लाह की कमजोरी नहीं है यह जान ले इस बात को अल्लाह ताला का गफूर और गफ़ार होना उसकी रहमत है उसका प्यार है उसकी शफकत है उसकी कमजोरी नहीं है हम लोग समझते हैं कि वो कमज़ोर है वलिया के वो तो हमें माफ़ कर ही करेगा कह उसने कहा कि मैं अफूर रहीम हूँ जैसे एक स्टूडेंट सारा दिन बंक सारा साल बंक मारे वो पढ़े ना और फिर टीचर्स के मुझे पता है आप मुझे पास कर ही देंगे इस स्टूडेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि आप बहुत समझदार हो या बेवकूफ हो डेफिनेटली हर बंदा कहेगा यार तुम कितना बेवकूफ़ हो तुमने सारा साल पढ़ा नहीं तुम्हें पता है नहीं कि एग्जाम पेपर में क्या आना है तुमने कुछ तैयारी नहीं की तुम पेपर में कुछ लिख के नहीं आए तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो तुम पास हो गए हम रोजाना सुबह जब उठते हैं हम अपने नाम माल के खुद राइटर्स होते हैं हम खुद लिख रहे होते हैं या तो हम दाएं वाले को लिख रहे हैं या तो हम बाएं वाले में लिख रहे हैं वी आर द राइटर ऑफ आर आर ओन बायोग्राफी जो कि क्या मत के दिन हमारे सामने खुलेगी तो जो शख्स इस पेपर को अटेम्प्ट करके ही ना आ जाए पेपर खाली छोड़ के आ जाए या पेपर में गंद मार के आ जाए वो क्या करेगा और जो शख्स मेहनत करता रहे हाँ कभी एबसेंट हो गया बीमार हो गया जो शख्स पढ़ता रहे मेहनत करता रहे कोशिश करता रहे और फिर क्यामत के दिन अल्लाह ताला के पास जाए और फिर उम्मीद रखे कि मुझे अल्लाह ताला माफ कर देंगे तो इस बात की समझ आती है जैसे एक स्टूडेंट मेहनत करता रहे पढ़ता रहे आ, सारा साल एफर्ट करता रहे और फिर अपने आंसर शीट में कुछ लिख के भी आए और फिर उम्मीद करे कि मुझे उम्मीद है कि मेरा टीचर मुझे पास कर देगा तो टीचर भी पास करते हुए उसको अच्छा लगता है कि इस बुतर ने इस बच्चे ने मेहनत किया लेकिन हमारा हाल ऐसा है कि हम लोग ना मेहनत करते हैं ना ना एफर्ट करते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि अल्लाह ताला हमें बिल्कुल बख्श देगा तो ये दो you know, हमें की से बहुत उम्मीद है लेकिन अल्लाह रहमत को जो चीज़ ट्रिगर करती है वो हमारे नेक का है वो हमारी कुछ ना कुछ एफर्ट है शब था तुम्हारी एफर्ट्स मुख्तफ मुख्तलि वो लदीना फीना, जो हमारी तरफ जिहाद करेंगे हमारी तरफ एफर्ट करेंगे हम उनको रास्ते दिखा देंगे अल्लाह ताला डिमांड करते हैं तुम पहले एफर्ट करो फिर मैं रास्ते दिखाऊंगा तुम चल के आओ फिर मैं दस कदम बढ़ाऊंगा तुम एक कदम बढ़ाओ फिर मैं दस कदम बढ़ाऊंगा तुम तोबा करो मैं तुम्हारे पास आसमान और जमीन भर के मफफरत को ले आऊंगा तुम बढ़ने वाले तो बनो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी ना करें और सब कुछ होना शुरू हो जाए ऐसा नहीं होता क्या कहा करते थे अब हम देखने ना इस बात को कि हमें कितनी ज्यादा होप है और फिर हमें नहीं है जानता हूँ तो तुम बहुत ज्यादा रोया करो और बहुत थोड़ा हंसा करोगे हमें कह रहे हैं अगर तुम जान लो वट आर द रियर जजमेंट आर द रियलिटीज ऑफ ग्रेव एंड बकाई तुम कालीलन वाला हो तुम, तुम बहुत थोड़ा हंसा करो और बहुत ज्यादा रोया करोलम रसूल है इमामुलम्बिया हैं शाफ मैशर हैं इनके बारे में क्या कहें हम सारी रात बोलते रह जिनकी तारीफें कम नहीं होंगी रात को उठ के बेचैनी में उठ गए और बेचैनी में चलने शुरू हो गए परेशान आशा कहते हैं यारसोल्ला आप क्या हुआ आप क्यों इतने परेशान हैं आप आराम से सोच जाए रिलैक्स एंड स्लीपी ने पता क्या फरमाया

परेशान थे और हम लोग याद रखें जितना क्या जितना रियालिटी से दूर होंगे हम उतना ही गुमराहिमी होंगे और उतने रिलैक्स होंगे साहबा रोते रहते थे उनको परेशानी थी अब्दुल्ला बिन अब्बास आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे जैसे साहबा कहते हैं ब्लैक द सोल ऑफ अ ब्लैक शू इतना परेशान रहते थे वो अपने अमाल के बारे में उमर बे खताब कुरान की आयात सुन के कई कई दिन बीमार रहते थे और हम लोग हमें तो ना कुरान समझ में आता है ना हदीस असर करती है हम लेक्स पे लेक्चर सुनते हैं लेकिन हमें परवाह नहीं होती फिर भी गुनाहों में पड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए इट्स टफ ये ऐसे ऐसे नहीं बनेगा वी नीड टू तो गेट सीरियस अबाउट इट हमें अल्लाह ताला की रहमत है बहुत उम्मीद और बहुत होप है लेकिन हम फूल्स नहीं है हम उस ऑस्ट्रिच की तरह नहीं है जो कि शिकार शिक, शेर को देख के अपना सर जो है रेत में डाल ले या अपने सर को छुपा ले या अपनी आंखें बंद कर ले कि शिकार तो चला गया या जो मुझ पे आ रहा था द वन हु वाज अबाउट टू मेक मी अप्रे वो भाग गया निकल गया ऐसी बात नहीं है ब्रदर वी शुड बी सेंसिबल इनफ कि जो आ रहा है हम उसकी तैयारी करते रहें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के जब पहला सूर फूका जाएगा और वो कब फूका जाएगा जब इस दुनिया में तमाम बदतरीन लोग रह जाएंगे हमें पता है हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेजर साइंस ऑफ क्या के लेक्चर्स में पढ़ा था हजरत ईसा आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का दौर दौरा होगा इस्लाम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस्लाम चोटी पे होगा कोई शख्स जिकात लेने वाला कोई शख्स सदका खरात लेने वाला नहीं होगा पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होगा और उनके जाने के बाद कई साल गुजरने के बाद फिर से गुना होने शुरू हो जाएंगे फिर से माइनर साइंस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे हत्या के दुनिया फिर अपने जवाल की तरफ जाएगी और वो टाइम आएगा कि जब अल्लाह ताला तमाम मोमिनों की तमाम बिलीवर्स की चाहे उसके दिल में राय के जाने के बराबर भी ईमान है एक हवा को चलाएंगे सॉफ्टर दिन सिल्क जो कि हर मोमिन की रूह को कब्ज कर लेगी हर मुसलमान की रूह को कब्ज कर लेगी एंड विल अवे लेगीव इन दिस वर्ल्ड और उनके ऊपर क्या का दिन आएगा वन फूर फसाफिस समावाती वर्त जब सूर फूंका जाएगा तो हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी यो मिन अखीह व उम्म ही व अबी व साहिबती व बनी उस दिन माँ अपने इंसान अपने बाप से भाग रहा होगा अपने भाई हो से भाग रहा होगा अपनी माँ से भाग रहा होगा अपनी औलाद से भाग रहा होगा अपनी बीवी या अपनी जो गर्लफ्रेंड थी वह साहेबा जो गर्लफ्रेंड थी या बीवी थी उससे भाग रहा होगा इंसान दूर कि मुझे तुम्हारी आज परवाह ही नहीं है आई डोंट केयर अबाउट यू आई जस्ट वॉन्ट माई सेल्फ टू बी सेफ निकल जाओ यहाँ से और भागो एक जो से। और ये चीज मैंने इसका ना हल्का सा एक गिल्प नोटिस किया मैं इस्लाम में था एक यहाँ पे है एक इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ पे वहाँ पे टेस्ट के लिए हम गए हुए थे और वहाँ पे हम लोग टेस्ट करवा रहे थे तो अचानक से बहुत जोर का जजला आया बहुत जोर का सजा है कुछ साल पहले की बात है तो हम सब पहले तो लाइट्स आया तो हम सब चौंक गए और फिर जब बहुत तेज आया तो हम सब निकले भागे और वो बेसमेंट में था तो हम निकल के आगे गए इमेजिन बेसमेंट में इतना जोर का था तो बाहर ऊपर वाले फ्लोर्स पे क्या हाल हो रहा होगा हम सब बाहर निकले और जब बाहर पहुंचे तो दो मियाँ बेबी भी हमारे साथ है जो कि टेस्ट करवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा था उन्होंने कहा वो कहा है तो दोनों अपने बच्चे को अंदर भूल के आ गए थे वो उसको उठाना ही भूल गए और अपनी जान बचाने के लिए निकल के बाहर आके खड़े हो गए और जब बाहर आए तो देखा कि हमारी औलाद ही नहीं हमारे साथ ये एक इस दुनिया के छोटे से जल्जले ने औलाद को भुला दिया तो क्यामत के दिल के जो जल्जरा जिसके बारे में अल्लाह तरमाते इसका नाम अलवाकिया है इधा वक़ात अलवाकिया लई सली वक़ाती

माँ और बाप को अपना बच्चा भुला दिया तो क्यामत का क्या का सिलसिला क्या करेगा करीबी दोस्त बेस्ट फ्रेंडी खलील उसे बोलते जो बहुत आपका क्लोज फ्रेंड हो युमले बान अद उस दिन दुश्मन होंगे एक दूसरे के एक्सेप्ट जो बिना पे दोस्ती होगी जिनकी आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे लान तान कर दावत दिया करता, तू मुझे पे और पे ले करता था उस दिन दुश्मन होंगे ये हालत होगी उसमें नफसा नफसी का आराम होगा तो जब हम इसको जिक्र नहीं कर रहे कि क्या होगा कुलु अलैहा फान हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी वह कमर इंसान देखेगा कि सूरज और चांद आपस में मिल रहे होंगे वह इजल वोश होशिर जब जानवर इकट्ठे हो जाएंगे जंगलों से निकल के आपने कभी वो मूवीज देखी हैं जिसमें पूरे जंगल में आग लग जाती है और हर किस्म का जानवर भाग के निकल रहा होता है शेर है चीता है हिरन है मंकीज है रैबिट्स हैं हर चीज निकल रही होती है आग से भाग के उस दिन हर जानवर जंगलों से बाहर निकल के आ जाएगा वह इजल बिहार जब समुद्रों में आग लग जाएगी आप में से अक्सर सी शोर पे गए होंगे या बीच पे गए होंगे जो पाकिस्तान में है वो कराची के बीच पे जाके देखें जरा समंदर कितना होता है इमेजिन बिहारे टूट रहे होंगे पहाड़ रूई की तरह ओढ़ रहे होंगे एक अजीब मंजर होगा अल्लाह सुबह फिर एक दफा एक और सूर फूका जाएगा विच इज द सेकेंड हॉर्न और पहले सूर और दूसरे सूर के बीच में आधे गिलास पानी पीने में जो वक्त लगता है इतना फर्क होगा जितना टाइम लगता है आधा गिलास पानी पीने में या दूध पीने में उतना टाइम पहले सूर में और दूसरे में सूर में फूका जाएगा वक्त होगा गैप होगा जब दूसरा सूर फूका जाएगा फिर हर चीज तबाह कर दी जाएगी कोई चीज नहीं बाकी बचेगी आसमान और जमीन कायनात हर चीज दबाव बर्बाद हो जाएगी

जलाकराम का चेहरा बाकी रहेगा उसका जो है ना जाद बाकी रहेगी हर चीज खत्म हो जाएगी फसोए का मन और आसमान और बर्बाद कर दिए जाएंगे दूसरे सूर के बीच में और तीसरे सूर के बीच में अबूर फरमाते हैं कि चालीस का फर्क होगा तो उन्होंने बुझा चालीस दिन का चालीस घंटों का उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है उन्होंने बुझा चालीस दिन का तो फरमाया अबू ने कि मुझे याद नहीं है फरमाया चालीस महीनों का उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है चालीस सालों का मुझे याद नहीं है तो वी डोंट नो कितना डिफरेंस होगा लेकिन द गैप विल बी ऑफ फोर्टी और फिर अल्लाह सुबह तमीन और आसमान की नई क्रिएशन करेंगे युमा तो बदुलर्दर्दावाद जिस दिन नए तरीके से आसमान और जमीन को बनाया जाएगा एक न्यू क्रिएशन बनाई जाएगी इट विल बी न्यूली क्रिएटेड आसमान कैसा होगा मल्टी कलर्ड द स्काई विल बी मल्टी कलर्ड और उसमें दरवाजे होंगे जमीन किस तरह की होगी एज वाइट एज रोज पेटल्स एज शाइनी एज सिल्वर एज प्लेन एज एनीथिंग, ये जमीन होगी और फिर आसमान से क्या बरसेगा एक वाइट सा लिक्विड और फ्लूड बरसेगा विच इज थिक और जब ये बरसेगा तो जमीन से एक एक कबर से सत्तर सत्तर लोग निकलेंगे और अपने हाथों को निकाल के आसा ऐसे जिसमो को निकाल के निकलेंगे और भागेंगे और वो किस तरह से होंगे अल्लाह के ने हुफातन, उरातन सनला नंगे पांव होंगे नंगे जिस्म होंगे और उनका सरकम सही नहीं हुआ होगा अल्लाह अकबर ये हालत होगी हजरत आयशा कहती हैं यारसोल्ला नंगे जिस्म क्या लोगों को एक दूसरे को देखेंगे नहीं मतलब शी शिबुज इतनी हया वाली थी कि उनको परेशानी होगी कि क्या हालत होगी उस दिन तो क्या बनेगा उस दिन लोग एक दूसरे को देख नहीं होंगे पर्दा खराब नहीं तो मैंने कहा आयशा उस दिन जो अमर होगा वो बहुत बड़ा होगा द मैटर विल बी सो ह्यूज दैट डे इंसान को परवाह ही नहीं हुई कि मैंने मैंने अब हर बंदा नफसा नफसी का आलम में होगा हर बंदा अपनी फिक्र में होगा या अल्लाह तू मुझे बचा ले या अल्लाह बस मैं बच जाऊं और सूरज कहाँ होगा मील एक माइल के डिफरेंस पे होगा आज सूरज कहाँ पे है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे और हमसे बाहर गर्मियों के मौसम में निकला नहीं जाता हालांकि ए होने के बावजूद शाय के तमाम इसबाब होने के बावजूद हमें पसीने आ रहे होते हैं और हमसे रहा नहीं जा रहा होता और हम पानी पे पानी पी रहे होते हैं और हम एसी में बैठे होते हैं फिर भी बचाव नहीं हो रहा होता जब सूरज एक मील पे होगा तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा इस दिन की तैयारी हम लोगों ने आज करनी है इस दिन के बारे में हमने आज सोचना है और अगर आज ना सोचा तो फिर कल बहुत लेट हो जाएगा हर बंदा अपने अमाल के मुताबिक अपने पसीनों में डूब रहा होगा अपने पसीनों में डूब रहा होगा कुछ लोगों के वेस्ट तक पसीना होगा कुछ के टखनों तक पसीना होगा कुछ से शोल्डर तक पसीना होगा और कुछ लोग अपने पसीनों में गोते खा रहे होंगे जिनके अहमाल जिन गुनाह ज्यादा होंगे और अपने पसीने से वो तंग होंगे अल्लाह ताला क्यों ऐसा खड़ा करेंगे कि उनका वो नहीं होंगे अल्लाह अकबर अल्लाह तला की कामिल कुदरत देखें जो स्किन का हिस्सा तुमसे बचपन से, से जुदा कर दिया गया था हम आज उसको भी लुटा देंगे तुम बात करते हो कि हमें कैसे उठाएंगे हम उसको भी वापस लुटा देंगे और तुम उसके साथ खड़े हो गए अल्लाह तला इवन हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं हर बंदे को इंसान को वापस कर देंगे उसके फिंगरप्रिंट हर शख्स इंसान अपनी हालत में खड़ा होगा वो, या वो बहुत मुश्किल दिन होगा काफिरों के लिए उस दिन बहुत टफ सिचुएशन होगी और बहुत मुश्किल हालात होंगे जब ये हालात होंगे तो इंसान परेशान आपस में भाग रहे होंगे पसीने में डूबे हुए होंगे और फिर क्या होगा जब इंसान निकलेगा और भागेंगे तो हर इंसान कैसा होगा वह जय अकुल नफा सा शहीद हर शख्स के साथ दो फरिश्ते होंगे एक सायक और एक शहीद सायक होगा जो उसको हामता हुआ विप होगी उसके हाथ में और जो उसको भगाता वाले के जा रहा होगा और एक शहीद होगा शहीद कैसे जो उस पर गवाह होगा जो उस पर जिसके हाथ में उसका नाम अमाल होगा वो उसे कंधों के ऊपर होगा और वो इसको भगाते भगाते मैशर के मैदान की तरफ ले जा रहे होंगे कुछ लोग होंगे जो कि उस दिन स्पेशल अल्लाह ताला तक खास इज्जत देंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे क्यामत के दिन उठाया जाएगा तो मैं देखूंगा कि मूसा पहले ही अल्लाह ताला के अर्श को थामे हुए हैं मुझसे पहले उठे हुए हैं अल्लाह अकबर अल्लाह सुबह उस दिन कुछ लोगों को इज्जत देंगे तक इक्राम देंगे इस मुश्किल हालात में इस एगनी और टॉर्चर में अल्लाह ने फरमाया कि मैं अबू बकर और उमर रफ्दी अल्लाह तमाम ऐसे खड़े होंगे मस्जिद नबी में दाखिल हुए और दोनों के हाथ पकड़े हुए थे कहा कि मैं अबू बकर और उमर क़यामत के दिन इस तरह में खड़ा किया जाएगा अल्लाह सुबहान कुछ लोगों को ऑनर करेंगे और लिबास पहनाएंगे और सबसे पहले कौन होंगे इब्राहिम के ने फरमाया कि इब्राहिम को सबसे पहले अल्लाह लिबास पहनाएंगे उसकी जो हिकमत समझ में आती है वो ये कि इब्राहिम अल्लाह के रास्ते में उनके कपड़े उतारे गए थे और उनको मिंजनीक में कैटे में डाल के आग में जब फेंका जा रहा था तो उनको बरहाना किया गया था लोगों के सामने अल्लाह के दीन के लिए उनको बरहना किया गया था तो अल्लाह त्याम के दिन सबसे पहले मखलूक में उनको लिबास पहनाएंगे अल्लाह अकबर और इस बात को याद रखें जब भी जो जो इंसान अल्लाह के दीन के लिए उसको जलील किया गया अल्लाह के दीन के लिए उसको बेजत किया गया अल्लाह के दीन के लिए उसने कुछ चोटें खाई अल्लाह ताला उस दिन बेहतरीन बदला दे देंगे और वो इंसान रश कर रहा होगा कि काश मेरे साथ मैं कुछ और भी दीन के लिए कुर्बानी दे आया होता मैं कुछ और भी करके आया होता तो मेरे साथ आज इज्जत के मामले होते मुझे रिस्पेक्ट दी जाती इब्राहिम कोबीस तो को को, और को और तमाम को, लोगों को कप, लिबास जाएंगे। और उनको एनिमल से बिठाया जाएगा, राइडिंग एनिमल्स पे वफदा। लोग उस दिन जब उनको मतकीन को जब जो उनका रिजरक्शन होगी वो अल्लाह तरफ वफद की फॉर्म में वो उनको एस्कॉर्डेड एंड ऑन द ले जाया जाएगा कुछ लोगों के आप देखेंगे के अंधे हैं बहरे हैं गूंगे हैं और वो अपने चेहरों के बल खड़े हुए हैं अला उस दिन क्या अपने चेहरों के बल खड़े हुए हैं ये लोग साबन मुजह रसोल्ला लोग अपने चेहरों के बल कैसे खड़े होंगे कैसे अपने चेहरों के बल चल रहे होंगे अल्लाह की उन्होंने फरमाया कि जो रब तुम्हें अपने कदमों पर चलाता है वो इस बात पे कादर है कि तुम्हें अपने चेहरों पर चला सके उन लोगों की बात हो रही है जिनको अल्लाह ताला चेहरों के बल चला रहे होंगे और ये कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को पीछे मसला नहीं है, कोई बात नहीं, है, कोई ऐसा नहीं है देखी जाएगी जानी लाइफ एक दफा मिली है, करो इसको। नमाज वो पढ़े जो गरीब है दीन उनके लिए आया है जिनको किसी चीज की जरूरत है हमें क्या जरूरत है हम तो लिबरल्स हैं जी हम तो सेकुलर्स है जी हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है इस्लाम का जो

जब उन्होंने सबमिट किया और ये असलमा का जो वर्डन ये है इस्लाम इस्लाम असलमा से निकले सलामिट कर देना अपने आपको बिछा देना सामने। उस को के हैं ये इस्लाम है। तो हम, हम अल्लाह तबमिशन में जिंदगी गुजार दें तो ये ये दिन है उस दिन क्या होगा कि इस तरह लोगों को ले जाया जाएगा और ये क्यों हो ऐसे होंगे क्योंकि ये दिन को भुला चुके थे इस दुनिया में वकील नंसा कुम कमां नसी तुम लेखा आम हादा इनको उस दिन इस तरह भुला दिया जाएगा जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात भूल गए थे जब ये पूछेंगे ना कि हमें क्यों ऐसा किया जा रहा है तो आज तुम इस तरह भुला दिया जाएगा वकील कमा नसी तुम लेखा आयोम जिस तरह तुम आज इस दिन की मुलाकात भूल चुके थे तुम्हें परवाह भी नहीं थी तुम्हें तो इस चीज का तुम इमेजिन भी नहीं किया करते थे तुम्हें आज हम भुला देंगे और फिर कुछ लोग होंगे जिनको आप देखेंगे कि जो अपने कंधों पे अपनी कमर पे ऊंट लेके फेर रहे हैं बकरी और भैंसे लेके फेर रहे हैं लोगों का माल लेके फेर रहे हैं जमीन के बड़े बड़े बोल्डर्स और जमीन के बड़े बड़े हिस्से लेके फेर रहे हैं और उनकी कमर पे वो लाद दिए गए हैं और वो टॉर्चर और में है और सुफानला ये वो टाइम होगा कि जब अल्लाह के नबी ने, ने फरमाया था कि याद रखो किसी का माल ना घसीटना मैं हदीस के मफहम बयान कर रहा हूँ किसी पर कुछ लोग मेरे पास मत आना जब तुम्हारे कंधों पे और कमर पे ये चीजें डाल के रखी जाएगी उस दिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा अल्लाह के मेरे सही हदीस में फरमाया उस दिन मेरे पास मत आना कि जिस दिन कमर पे ये हालात हो गए जो शख्स जिसके जमीन पर कब्जा करेगा जो शख्स जिसके माल को लूटेगा जो शख्स जिसकी प्रॉपर्टी पे करेगा जो शख्स बहन को उसकी जायदाद नहीं देगा उस शख्स के साथ ये हाल किया जाएगा क्या कि दिन? वो इस हालत में होंगे हम अल्लाह, फियरफुल एंड टेक केयर टू सॉलो सिप ऑफ वाटर या एक कतरे से हम को सॉलो करने से हम डरते हैं या एक खाने का छोटा सा पार्टिकल हम सॉलो करने से डरते हैं क्योंकि हम रोजे की हालत में है येट वी सॉलो द इनहेरिटेंस ऑफ आर सिस्टर्स येट वी सोलो अपने नेबर का की जमीन लोगों का माल हम कितना ज्यादा सोलो करते जाते हैं, हमें परवाही नहीं होती रोजा इसलिए आया था रोजा में ये से खाना नहीं आया रोजा में हमारी ट्रेनिंग के लिए आया है कि जब तुम अल्लाह के हुक्म की वजह से एक कतरा नहीं पी रहे हो एक कतरे से क्या हो जाए एक अतरे से जब तुम नहीं पी रहे हो जब तुम खाना नहीं खा रहे तो तुम अल्लाह के हुक्म पे फिर से जुल्म करा क्यों नहीं छोड़ते अल्लाह तला ने मना किया किसी का जमीन लूटना किसी का किसी की जाति करना और दिन फिर जब लोगों को देखा जाएगा तो लोगों के कुछ लोगों की गर्दने लंबी लंबी होंगी अल्लाह अकबर ऊंचे गर्दनों वाले फखर से बुलंद होंगे ये कौन लोग होंगे जो कि मस्जिदों में आजाने दिया करते थे अल्लाह ताला की मस्जिदों की तरफ लोगों को बुलाया करते थे कुछ औरतों को देखा जाएगा जो कि कर्स्ट गारमेंट्स के साथ होंगी उन पे ऐसा लिबास होगा जो कि उनको तकलीफ ही पहुंचा रहा होगा और उस पर लानत बरस रही होगी ये वो औरतें थी जो कि टाइट आ, लिबास पहना करती थी और ये वो औरतें होंगी जो कि रोती थी और बैन करती थी किसी की वफात पे किसी के दुख में अपने आप को मारती थी और चीजती चलाती थी अपने आप को मारा करती थी बैन किया करती थी लेकिन उससे हमने इस चीज से मना फरमाया तो कुछ लोग होंगे जो के जिनको देखा जाएगा तो वो आधे उनके धड़ आधे उनके जिसम काले होंगे आधे उनके जिसम सफेद होंगे ये वो लोग होंगे जो कि लोगों के सामने कुछ बोला करते थे लोगों के पीछे कुछ हुआ करते थे मुंह पे तारीफ किया करते थे पीछे से बैक बाइटिंग किया करते थे मुंह पे लोगों को बड़ा खुश आमद और अच्छा कहा करते थे और पीछे उनकी चुगली और कीबत किया करते थे ये हालात में क्या मत ये थे लोग बुरी मुश्किल में होंगे मुसीबतों में होंगे कुछ लोग होंगे जो नूर के मेम्बरों पर बैठे होंगे अंबिया सिद्दीक शहदा उन उनपे रश्क कर रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं अल्लाह अकबर ये वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला की रजा के लिए आपस से मोहब्बत करते थे अल्लाह की रजा के लिए मिलते थे अल्लाह की रजा के लिए जुदा होते थे इन पे अम्बिया इन पे रश कर रहे होंगे अल्लाह अब कितना बड़ा मकाम ऐसे इंसान के लिए जो अल्लाह की रजा के लिए खालि सदन आपस में मोहब्बत करेगा एक शख्स जा रहा था किसी से मिलने के लिए अपने भाई से मिलने के लिए किसी और गाँव में किसी और विलेज में एक अल्लाह तला ने एक फरिश्ते को भेजा इंसान की शक्ल में और उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो

अल्लाह तो कहते हैं मैंने अपनी मोहब्बत को वाजिब कर दिया उन लोगों पे जो मेरी रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं मेरी रजा के लिए मिल मेरी रजा के लिए ताल्लुक रखते हैं ये लोग नूर के मम्बरों पर होंगे क्यामत के दिन और अम्बिया सिद्दीक इनको देख देखे रश करेंगे काश हमें भी इन किस जगह पे हो मिलती है जगह ये नूर के मेम्बर पे होंगे कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे काले डल वजू ही योम दिन उनके चेहरे खाश आना खुशबू होता ना नमाज में खुशबू अख्तियार करना ह्यूमिलिटी उनके चेहरों में हम्बलनेस होगी अपने जिल्लत की वजह से गुनाहों की वजह से वो अपने वो चेहरे दिखाने वाला नहीं होंगे यो मैं तब यदत वजूह हूँ वह वजूह उस दिन लोगों के चेहरे काले होंगे वजूह हूँ यो मै उस दिन बहुत उनके चेहरे डल होंगे युवकों के जो गुनाहों के गुनाह कर करके इस दुनिया में आए इस दुनिया में उन्होंने सिर्फ पार्टीज की सिर्फ गुनाह किए नमाजों को सिर्फ रमज़ान में नमाजें पढ़ा करते थे सिर्फ जुम्मे के जुम्मे नमाजें पढ़ा करते थे लोगों पर जुल्म किया करते थे शराब पिया करते थे ड्रग्स में इन्वॉल्व थे सूद काम किया करते थे और ये काम करते करते उन्होंने कभी तोबा नहीं की कभी माफ़ी नहीं मांगी बड़ा माफ करने वाला जो हो गया हो गया अगर माफ कर देंगे माफी मांग लेंगे अल्लाह हर गुनाह से को माफ कर देते हैं और होंगे खुश रोशन चमकते हुए चेहरे जैसे चांद चमक रहा होता है ना रात को इस तरह उनके चमक रहे होंगे योम तबियत वजूह उनके चेहरे जो है ना इट विल बी ऑफ लाइट चमक रहे होंगे अल्लाह अकबर अल्लाह तला हमारे चेहरे को भी ऐसा ही बना दे कि जो क्या के दिन चमक रहे हो खुशी से अपने रिवॉर्ड का इंतजार करते हुए चेहरे चमक रहे होंगे कुछ लोग होंगे जिनको आप देखेंगे कि वो चूंटी के साइज के बराबर होंगे बिल्कुल चूंटी के साइज के बराबर जमीन पे भाग रहे होंगे लोगों के पाँव के नीचे रोंदते चले जा रहे होंगे लोग परेशान होंगे उनको देख के लोगों को देख के वो परेशान होंगे और वो उनको कोई नोटिस नहीं करने वाला होगा ये वो लोग थे जो मतदीन थे हमारे पास बड़ा माल है हम हम बड़े सियासत में हमारा बड़ा रुतबा है हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे हम ये हम वो तकबर वाले अल्लाह ताला इन तकबर वालों को मुत, मुतकबिरीन को बिल्कुल नीचे चूंटी का साइज दे देंगे इनको हर बंदा उस दिन आपस में लड़ रहा होगा चीख पुकार होगी और लोग इतना टॉर्चर में होंगे पचास हजार साल दिन का दिन होगा फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स का लोग अल्लाह ताला से पुकार उठेंगे या अल्लाह हमें इस पसीने से निकाल हमें इस टॉर्चर से निकाल चाहे हमें जहन्नम में डाल दे प्लीज हमारा हिसाब किताब शुरू कर दे हमें यहाँ से निकाले क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ये सबसे वर्स्ट पनिशमेंट है इससे वर्स्ट पनिशमेंट आगे होगी नहीं क्योंकि वो इतना टॉर्चर का शिकार होंगे अल्लाह मस्ता और फिर क्या होगा <क्यूंकि> लोगों लोग इकट्ठे होंगे और कहेंगे चलो तो एक काम करते हैं अल्लाह अल्लाह के अंबिया के पास जाते हैं लोग आदम इस्लाम के पास जाएंगे और कहेंगे आदम आपको अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया आप तो सबसे पहले नबी हैं इस दुनिया में डिफरेंट बातें करेंगे उनको कि आपको अल्लाह ताला ने खलक तुबई का खलक भी ने अपने हाथों से आपको पैदा किया और अपनी रूह को जो है ना आपके अंदर डाला अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं आप अल्लाह त सिफारिश करें आजम सलाम कहेंगे कि मैंने जो फल खा लिया था जन्नत का मैं उसकी वजह से आज बहुत परेशान हूं अल्लाह ताला आज इससे पहले कभी इतने ना नाराज थे ना इसके बाद कभी इतने गुस्से में होंगे अल्लाह ताला इससे इतना पहले कभी इतने गुस्से में थे ना इसके बाद कभी इतने गुस्से में होंगे अल्लाह ताला आज बहुत गुस्से की तुम मुझसे ना पुकारो मुझसे ना मांगो जाओ यहां से मैं अपना सवाल करता हूँ यार नफसी, नफसी। लोग नू असलाम के पास आएंगे आपने 950 सौ पचास साल दावा काम किया अल्लाह ताला ने पुकार सेम रिप्लाई अल्लाह ताला आज इतने गुस्से में, में थे ना कभी बाद इतने में मैं सवाल नहीं करता जाओ यहां से अल्लाह तू मुझे बचा ले या अभी नफसी नफसी लोग मुख्तलि के पास जाएंगे इब्राहिम के पास जाएंगे आप तो खलील है आप हमारी सिारिश कह के रहे हैं तीन झूठ बोले थे हालांकि वो झूठ नहीं थे वो एक तरह से तौरिया था जो कि जायज था उनके लिए जब उन्होंने कहा था कि इन्नी सकीम मैं बीमार हूँ उन्होंने जब वो बुत तोड़े और बड़े वाले बुत के ऊपर रख दिया कहा इससे पूछो सबसे बड़ा है तो उसके बारे में कहेंगे अल्लाह ताला आज जितने गुस्से में है ना पहले कभी इतने गुस्से में थे ना ऐसे बात कभी इतने गुस्से में होंगे मैं सवाल नहीं करता जाओ मुझे तो अपने मुझे तो अपनी परवाह है या और अब भी लोग मूसा लोग मुसलम के पास आएंगे या मूसा तो कली मुलात है आप सवाल करें आप सिफारिश करें मूसा कहेंगे मैंने तो बंदे को मुक्का मार के उसका कत्ल कर दिया था मैं उसके बारे में परेशान हूँ और फिर वही अल्फाज दोहराएंगे ईसी सलाम के पास लोग आएंगे ईसी सल्लम आखिर में कहेंगे कि मैं एक शख्स को जानता हूं अल्लाह अकबर जिसके पास तुम जाओ वो तुम्हारी सिफारिश कर सकता है और यहाँ पे अल्लाह के नबीम की

आखिरी इंसान तक अल्लाह के नबी के पास आएगी आप करें हमारे लिए सिफारिश अल्लाह के नबीसम सजदे में सर रखेंगे अल्लाह तला के हमदोसना बयान करेंगे और ऐसे ही हमदो सना बयान करेंगे इससे पहले आज तक किसी ने वो हमदोसना बयान नहीं की होगी अल्लाह तला वो कॉले मार सकेंगे अल्लाह के नबीसम को और अल्लाह सर तलांकि उस दिन बहुत गु़स्से में होंगे लोगों के इंसानियत गुनाहों की वजह से मेरे और आपके काले करदूतों की वजह से लेकिन अल्लाह के नबीम का सजदे में सर रखना अल्लाह तला तो इतनी देर तक गवारा नहीं होगा और फरमाएंगे या मुहम्मद रासक अपने सर को वशफ़े तुशफा शफ़ात करें आपकी शफ़ात कबूल की जाएगी सल तो आप सवाल करें आपको अता किया जाएगा आज अल्लाह के सबसे पहले दुआ करेंगे या रबी उम्मती उम्मती या रबी उम्मती उम्मती या मेरी उम्मत या मेरी उम्मत को बचा ले ये वो नबी है जिसकी सुन्नत पे चलने से हमें वल्या, बिल्ला हमें कराहियत महसूस होती है ये वो नबी है कि जिसकी जिसने कहा था नमाज नमाज नमाज, नमाज वमाम दुनिया से जाते हुए पैगाम देते गए नमाज कभी ना छोड़ना नमाज कभी ना छोड़ना और अपने मातहत पे अल्लाह से डरते रहना उन उनके बारे में ख्याल रखना हमने उस नमाज़ों को ही छोड़ दिया हमने ये आपसे हमने चुन चुन के एक एक सुन्नत को पारा पार किया हमने उनकी सुन्नत को तोड़ा ये हमने बदला दिया उनकी मोहब्बत का हालांकि इतने काले करतूत लेके जाने के बाद भी वो कितने कितने बड़े दिल के हैं अपनी उम्मत के बारे में तो आकर है यह हम भी उम्मत ही उम्मत मेरी मेरी उम्मत को बचा लेफान अल्लाह अल्ला के नबी का ये मकाम और मरतबा अल्लाह तमाम इंसानियत के सामने शो कर देंगे तो अल्लाह से पहनो तो अल्लाह से पाएंगे अल्लाह से क्या हिसाब के और जब ये फरमाएंगे तो इससे पहले क्या हो रहा था हमने बात की लोग आपस में झड़ झगड़े होंगे लोग अपने कारीन को ब्लेम करके तेरी वजह से मैं आज जहनने में जा रहा हूँ तू मुझे बुरा भला कहता लोग एक दूसरे को ब्लेम करें होंगे आपस में शोर गुल होगा और एक लहनतान होगी ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से मैं आज जानने में जा रहा हूँ ये मेरी ये हालत है और शैतान से झगड़े होंगे कि तूने हमें किया वो तो कहेगा मैंने तुम्हें सिर्फ सिर्फ मशवरा दिया मैंने तुम्हें पकड़ के नहीं ले गया गुनाह करवाने के लिए और ये सब एक शोर होल होगा लेकिन क्या होगा जब अल्लाह ताला इरादा करेंगे हिसाब किताब शुरू करने का तो फिर क्या होगा वजह उस दिन तमाम मलाइका सफ़ बना के सफ नाजिल होंगे और फिर अल्लाह साल के साथ बबरकत आएगी और ये वो टाइम होगा कि जिस दिन आवाजें पस्त हो जाएंगी वो खशी, वो खशी दिल ले फला तस्मा हमसा लोगों की आवाजें पस्त हो जाएंगी अल्लाह और और रौब की वजह से इंसान कुछ भी नहीं सुनेगा फीट कदमों की चाप के अलावा कुछ और सुनाई नहीं नहीं जरा होगा और के दिन हिसाब किताब शुरू होगा सबसे पहले उम्मत मुहम्मदिया का हिसाब किताब लिया जाएगा और उम्मत मोहम्मदिया में भी से भी सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज होगी बल्कि इस नमाज के हिसाब शुरू करने से पहले अल्लाह फरमाएंगे सुबहना वरमाएंगे मुताबी जलाली कहाँ वो, कहा वो लोग जो मेरी रजा लिए आपस में मोहब्बत किया करते थे उस दिन इनको मैं अर्श का साया नसीब करूंगा इनका सबसे पहले हिसाब होगा इनको अल्लाह ताला सबसे पहले पुकारेंगे और वो लोग जो सत्तर हजार होंगे सुमत के जो कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दिए जाएंगे उनको ले जाया जाएगा जाए 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 जन्नत में और अल्लाह के मिसल हमने दुआ की थी या अल्लाह इनक्रीज दिस नंबर इंक्रीज दिस नंबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया अल्लाह के नबी की दुआ की, की वजह से फरमाया कि हर हजार के साथ मजीद सत्तर हजार को मैं जन्नत में ले जाऊंगा और विद्री हैं अल्ला तो अल्लाह अल्ला तो इनको वी आई पी एंट्री देंगे जन्नत की विदाउट एनी क्वेश्चनिंगली से पहले दाखिल नहीं होंगे तो इनको बगैर हिसाब किताब के आगे ले जाया जाएगा फिर तीन लोगों को उनसे जहन्नम को भड़काया जाएगा तीन तरह के लोगों से एक शहीद एक वो आलिम जो कि दीन को सीखा उसने फैलाया और एक वो गनी जो कि माल दाएँ और बाएं खर्च करता था लेकिन इनकी इंटेंशन क्या थी लोगों को खुश करना इनसे जहन्नम में इनको डाला नहीं जाएगा इनसे जहन्नम को भड़काया जाएगा भड़काया जाएगा तो यह हालत होगी उस दिन के आमद के दिन तो ये इन सबसे पहले इनको डाला जाएगा और लोग खौफजदा हो जाएंगे कि ये क्या मामला पेश आया सबसे पहले मुसलमानों को लाया जाएगा और सबसे पहले बेहतरीन मुसलमानों का हिसाब लिया जाएगा और सबसे पहले जो चीज पूछी जाएगी वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा अपनी नमाज पेश करो अपनी नमाज लेके आओ नमाज की काउंटिंग होगी सत्तर साल जिंदगी गुजार के आया साठ साल इसकी नमाजें दस साल में कि नमाज फर्ज होती है सिक्सटी मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा देखा जाएगा इसकी नमाजें क्या पूरी हैं काउंटिंग की जाएगी और अगर काउंटिंग पूरी नहीं है तो देखा जाएगा क्या इसके नवाफिल ऐसे हैं जो कि इसकी कमी को या जो कुछ नमाजें रह गई कमी रह गई उनको पूरा कर सके कंपनसेट कर सके अगर नहीं है तो फिर उसका हिसाब किताब नहीं होगा उसको बंद करके फेंक दिया जाएगा कहा गया उसका हज कहा गया उसके रोजे कहा गया नमाज नमाज दीन का सतून है पिलर है जब पिलर तबाह गया तो फिर कोई चीज बाकी रहती अपनी नमाजों की हिफाजत करें और जिसकी नमाजें पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह लाला के मुताबिक देख, फिर देखा जाए इसकी काउंटिंग पूरी है तो फिर क्या ये सुनत के मुताबिक है या नहीं है तो अगर वो सुनत के मुताबिक है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अगला भी हिसाब सर आसान कर दिया जाएगा लेकिन अगर वो सुनत मुताबिक नहीं है एक हदीस में आता है सुलसल असहिया की हदीस है जिसमें फरमाया गया एक शख्स सत्तर साल का होगा मतलब उसने साठ साल की नमाजें पढ़ी होंगी अल्लाह तला उसकी एक नमाज के नहीं करेंगे क्यों ला युतिमो रकू वि रकू वकू पूरा करता होगा तो सजदा पूरा नहीं करता होगा और अगर सजदा पूरा करता होगा तो रकू पूरा नहीं करता होगा अल्लाह ताला इस दिन सात लोगों को अपने अर्श का साया नसीब करेंगे या अपना साय नसीब करेंगे सबातुन सात लोगों को साय नसीब होगा एक वो शख्स जो कि आदिल कुमरान होगा दूसरा वो इंसान जो कि अपनी जवानी में इबादत करता होगा और अक्सर जवान लोग सुन रहे हैं अल्लाह अकबर इस चीज़ को नोटिस कर लें इसको लिख लें जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत महबूब है बहुत पसंद है इसको जाया मत करें एक एक सेकंड को ज़ाया मत करें अल्लाह ताला साया नसीब करेंगे उस दिन जिस दिन लोग पसीने में डूब रहे होंगे और सूरज एक मील पे होगा उस दिन सा मतलब है पीस एंड रिलेक्सेशन जिससे अल्लाह तला मोहब्बत करते हैं दूसरा वो कौन शख्स जो अपनी जवानी को इबादत में गुजारेगा गुनाहों में नहीं गुजारेगा देखिए बुढ़ापे में तो सब लोग अल्लाह करते हैं बुढ़ापे में तो हर बंदा अल्लाह तरफ आ जाता है एक्सेप्ट जो बिल्कुली जो जिनमें फिटकार होती है तो जवानी का वो टाइम है जिसमें इंसान में, जिस में, में कुत है ताकत है गुनाह करने की एक होती है। is, you know, brave, लेकिन जो लोग अल्लाह से डरते हैं ना और अल्लाह के डर में जिंदगी गुजारते हैं असल में वो फीडलेस लोग है वह फिर शैतानी गुलामी में नहीं आते वो अपने नब से गुलामी में नहीं आते वो अपने रब की गुलामी में आते हैं लोगों की अत लोग लो क्या कहेंगे इसे निकल के शैतान की अताद और अपने नफ्स की अत से निकल के अल्लाह की अत्यात में अटैच होगा जिसका दिल चाहेगा मैं हर वक्त मस्जिद में जाऊँ वो मस्जिद से आएगा देखेगा अगले नमाज कब होनी है और क्या टाइम होना है फिर नमाज के लिए जाएगा ही वो शख्स बल्कि चौथा वो शख्स जो कि जिस मर्द को जना की दावत दी गई और उसने अल्लाह तला के खौफ से कहा अल्लाह से डरता हूँ और जिना को छोड़ा और इन शाह इसमें यूसुफ्लाम भी होंगे जिस शख्स किसी औरत ने जो कि हसबो नसब वाली यह जिना की दावत दी और उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और छोड़ दिया उसको पांचवा वो शख्स जो कि राइट हैंड से चैरिटी देता होगा और लेफ्ट हाथ को पता भी नहीं चलता होगा इतनी खामोशी से वो सदका निकालता होगा ये रमजान का महीना है लोग परेशान है लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं लोग सब्जियों वाले, 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 है। में पैसे डलवाए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें उनको खाने खिलाएं करवाएं लोगों को डोंट टेक सेल्फीज डोंट पोस्ट पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया किसी और आपका इधारा काम करे तो डालें इंशाल्लाह अपनी ना अपनी पिक्चर्स ना डालें छठा घोश्स राजुल रकल खाल फफाजत आयना जो अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए तुह तधेरे के आंसू बड़े पसंद हैं तन्हाई के आंसू बड़े पसंद हैं अल्ल के गुनाहों पर पछतावा बहुत पसंद है अल्लाह ताली से लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं जो कि पछतावा पछताते हैं अपने गुनाहों पर और रोते हैं और जानते हैं कि अल्लाह आपके अलावा कोई गुना माफ़ करने वाला नहीं है कहते मेरे बंदे को पता है मेरे अलावा कोई गुना माफ़ करने वाला नहीं है मैंने इसको माफ़ किया बड़े कतरदान है और आखिरी सात वो शख्स रजुल्लाफिल इजतम आलही व तफरक आलही जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए आपस में मिलते हैं और अल्लाह की मोहब्बत के लिए आपस में जुदा होते हैं इन सात लोगों को साय नसीब होगा अल्लाह हर शख्स का नाम लेके उसको बुलाएंगे उसका हिसाब होगा

उस औरत देखना भी लिखा हुआ है मेरा उसकी तरफ यू you नो know, एक पास करना भी लिखा, लिखा हुआ है लिखा हुआ छोटी बड़ी चीज हर लिखी हुई है इसमें इंसान उसमें देखेगा और फिर पांच लोग होंगे पांच सवाल जब तक कोई शख्स उसका आंसर नहीं दे पाएगा उसको वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा हिल नहीं पाएगा कौन से सवाल होंगे एक सवाल अपनी जवानी कहाँ गुजारी अल्लाह अकबर देखिए फिर जवानी के बारे में सवाल तुमने जवानी कहाँ गुजारी जवानी कैसी गुजारी पब्स में पार्टीज में ड्रग्स में लड़कियों में इश्क माशोकियों में पबजी खेलते फोर्ट नाइट खेलते क्या करते हुए गुजारी यूनिवर्सिटी में जो है ना पूर्णिया करते हुए या डेटिंग करते हुए कहाँ गुजारी जवाब दो या अल्लाह की इबादत में नमाजें पढ़ते हुए कुरान पढ़ते हुए अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए बहन भाइयों का ख्याल रखते हुए अपने हकूक अदा करते हुए एक लाइफ गुजार किया या किस तरह के थे तुम जवानी कहा गुजारे उस दिन सवाल किया जाएगा दूसरी दूसरा सवाल और जब तक कोई शख्स इन सवाल जवाब नहीं देगा वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को किस तरह यह एक एक लम्हा एक एक सेकेंड अल्लाह की खास नेमत है तमाम नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा और जवानी बहुत बड़ी नियमत है दूसरा सवाल नॉलेज कहां से सीखा कितना सीखा और कितना अमल किया उस उसपे जो हम सीख रहे हैं कितना सीखा और कितना अमल किया इस पर तीसरी चीज पैसे कहां से कमाए हराम तो नहीं कमाए झूठ बोल के तो नहीं कर, कमाए जाति करके तो नहीं कमाए और चौथी चीज कहाँ पे पैसे खर्च किए और फिर टाइम के बारे में पांचवी चीज अपना वक्त कहाँ गुजारा अपने फ्री टाइम कहाँ गुजारा उस फ्री टाइम में क्या करता अल्लाह ताला की फ्री टाइम बहुत बड़ी नेमत है

सात लोग हमारे खिलाफ या हमारे आगे हमारे हक में विटनेस होने क्या मत करते सात चीजें सात चीजें नंबर वन इज लोग हमारे इर्द गिर्द वो गवाही देंगे या अल्लाह ये नेक इंसान था या या अल्लाह ये बुरा इंसान था इसकी मुंह से जब भी सुन हमने गाली सुनी ये जब भी बात करता था बुरी बात करता था इससे मैं बुराई की तरफ दावत दी लोग गवाही देंगे या अल्लाह या तो ये नेक इंसान था लोग गवाही देंगे दूसरी चीज हमारे आमालमा हमारे बारे में खोल खोल के बता देगा हमारे खिलाफ या हमारे हक में तीसरी चीज हमारे मलाय का किरामन कातिबीन हमारे खिलाफ या हमारे हक में गवाही देंगे कौन चुप सकता है इन लोगों से कौन चुप सकता है इन चीज़ों से चौथी चीज ये जमीन ये जमीन ये गवाही देगी या अल्लाह इस बंदे ने मेरे ऊपर सजदे किए मेरे ऊपर आंसू बहाए मेरे ऊपर नमाज पढ़ी अजान का टाइम हुआ था यहां पे इसने नमाज पढ़ी या या अल्लाह ये जमीन कही या अल्लाह इसने मुझ पे यहाँ गुनाह किया यहां भी गुनाह किया यहां भी गुनाह किया हर चीज अखबार दी जमीन देगी और चीज पांचवी मुख्तार गवाह होंगे शहीद होंगे हम विटनेस होंगे हमारे ऊपर कुरान भरा पड़ा ऐसे छठी चीज हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे हाथ हमारी आंखें हमारे जबान हमारे लिप्स हमारे कान बोल पड़ेंगे और हम इंसान कह रहे तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो तुम क्यों बोल रहे हो कहेंगे कि जिस चीज़ ने तुझे बोलना सिखाया उसी चीज़ ने हमें हुक्म दिया बोलने का तो इंसान के हाथ पांव पजा अल्लाह तला अल्ला हमें बचाए अल्लाह अल्ला तमें हमारी हिफाजत करें जिन हाथों से हम गुनाह करते हैं वो हाथ बोलेंगे हमारे खिलाफ और जिन हाथों से हम दुआ कर रहे हैं कुरान के सफ़रों को पलट रहे हैं आंखों से कुरान पढ़ रहे हैं वो हमारे हक में गवाही देगी उस दिन कोई चीज़ छुपी नहीं देगी और सातवीं चीज़ अल्लाह रबालमीन की अपनी बाबरकत अल्लाह रबीन जो हर चीज हर चीज़ को जानते हैं तुम आस्था पकारो चाहे ऊंचा पकारो वो तो दिलों के राज भी जानता है अल्लाह तबरकत देगी जिस शख्स को दाएँ हाथ में अमाल नामन दिए गए वो तो खुश होगा हा मोकराओ किताब मेरी किताब आके पढ़ो सारे मुलाकिन हिसाबिया मैं जानता था मेरा हिसाब होना है ये देखो लेकिन जिसके बाएं हाथ में दिया गया वो शर्मिंदा हो जाएगा वो कहेगा यार ही ती आमाला मत दिया ही ना जाता मुझे ये मिलता ही ना ये कितना सख्त दिन है मेरे ऊपर वो इंसान जो है ना फिर मधम हो जाएगा और वो इंसान परेशान हो जाएगा जो कुफार होंगे ना अल्लाह तला जानवर का भी हिसाब लेंगे क्यामत के दिन जिस बकरी को सींग दिए गए थे उसने इस दुनिया में उस बगैर सिंह वाली को मारा था अल्लाह सुबहरा तला बगैर सिंह वाली को क्यामत के दिन सींग देंगे क्योंकि वो आदिल है आदिल है और ताकि वो उसको मारे और फिर इन सब को हुक्म देंगे मिट्टी बन जाओ और जब ये लोग देख रहे होंगे तो राबा। या तू आज हमें मिट्टी बना दे जब वो देखेंगे ना जानवर मिट्टी बन गए तू आज हमें मिट्टी बना दे लेकिन उस दिन मिट्टी कोई नहीं बनेगा मौत को एक बछड़े की शक्ल में कतल कर दिया जाएगा अल्लाह व तआला उस दिन अपनी पिंडली को नंगा करेंगे अपनी पिंडली से चादर उठाएंगे यौमा सुजूद जिस दिन पिंडली को से कपड़ा उठाया जाएगा और लोगों को सजदे की दावत दी जाएगी फला सजदा नहीं कर पाएंगे और वो पुकारेंगे चीखेंगे चलाएंगे या रब हमें सजदे की मोहलत दें यारब हमें हुक्म दें हमें इजाजत दें कि हम सजदा करें लेकिन क्या होगा अल्लाह ताला उस दिन मोहलत नहीं देंगे और कहेंगे जो लोग दुनिया में सजदा नहीं किया करते थे उनको मोहलत नहीं मिलेगी कहेंगे कि जब तुम दुनिया में सही सलामत थे और हमारी तरफ से तुम्हें निदा आती थी हईल्ला जब तुम सालिम थे तुम सजदे की तरफ नहीं आए आज उस मोहलत से महरूम कर दिया जाएगा और बहुत बाकी लोग इंशाल्लाह सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह के सामने सजदा करेंगे वो मुनाफिकीन को उन लोगों को अल्लाह साल निकाल के जहन्नम की तरफ डाल देंगे कुफार तो पहले जहन्नम में चले गए यहां मुनाफिकीन को निकाल दिया जाएगा फिर हौज कौशर पे लोगों को ले जाया जाएगा और हौज कौसर कैसा है अल्लाह अकबर इट इज स्कोर इन साइज

राफ के चेहरे के शक्ल वाले होंगे जिनके चेहरे वो स्वैंस होंगे बेसिकली लेकिन जिनके चेहरे कैसे होंगे लाइक द नेक्स ऑफ जराफ इसी तरह से लोग जो उनको पियेंगे वो कभी उसकी बात प्यास से नहीं होंगे उसकी जो खुशबू है वो मस्क की खुशबू की तरह है और वहां पे सबसे बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी फॉर द फर्स्ट टाइम जो लोग उनको नहीं देख सके थे उनकी मुलाकात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी अल्लाह अकबर कितना ही अमेजिंग टाइम होगा वो और लाइफ इस तरह गुजार के जाए कि जब अल्लाह के नबीम मिले वो आपको देखे खुश हों और आप भी उनको देखने खुशी होंगे और वो कहें कि तुमने मेहनत की इस दुनिया में यू डिड्रेट ग्रेट जॉब क्योंकि के नबीम को अभी तो नहीं पता कि हम क्या अमाल करें लेकिन क्या के दिन अल्लाह के नबीसम चूंकि शहीद होंगे और वो अल्लाह तुमको अपनी उम्म पे शहीद बनाएंगे फिटनेस बनाएंगे और वो थम्स ऑनर की बात है इमेजिन आपका बॉस कहे कि यार क्या कमाल तुमने क्या क्या क्या, क्या, तुमने की, क्या, 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 क्या तुमने की है से सुनने के लिए इस, इस उम्मीद के साथ इस होप के साथ के मुझे वसल्लम के ये कलेम सुनने हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब जॉब वेल डन इस दुनिया में कोशिश कर ले। ले। लेकिन उस दिन क्या होगा वहां पे कुछ मजीद जो है ना वो उम्मतियों को लाया जाएगा और उम्मती अल्लाह के पहचाने जाएंगे उनके जो वजू के आजा है वो चमक रहे होंगे वजू के आज़ा चमक रहे होंगे तो उनको लाया जाएगा लेकिन फिर से रोक देंगे और कहा जाएगा और तो मेरी उम्मत ही इनको आने दी मेरी तरफ फिर रसोलह आपको नहीं पता आपके जाने के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था आपकी उम्मत ही तो है कि आपके दीन को उन्होंने बदल दिया था नई नई बिदात शामिल कर दी थी दीन में अलग में कहें फोह कोह इनको दूर कर दो तो मेरे मुंह से इनको ले जाओ यहाँ से जो दीन में नई नई चीजें इनोवेट करते हैं नई नई चीजें ईजाद करते हैं मेड इन पाकिस्तान रिलीजन बना दिया मेड इन इंडिया दीन बना दिया जो दीन का हिस्सा नहीं था वो रवायात वो चीजें दीन में दाखिल करते हैं वो चीजें दीन का हिस्सा नहीं है बचे ऐसे लोगों से जो ये बेसिकली जो हाउस ए कौसर है ये आउटसाइड जन्ना है जो असल जो इसकी शुरुआत है वो जन्नत के अंदर से हो रही होगी और वहां पे लोग मौजूद होंगे लेट्स एंड द सेशन इंशाल्लाह ताला लोग जब हौजे कौसर से पी लेंगे और गुजर जाएंगे अभी भी टेस्ट खत्म नहीं हुआ इसके आगे पुल सरात है हर शख्स को जन्नत में जाने के लिए पुल सरात से गुजरना है हर इंसान को हर शख्स को और इस रात कैसी है इट इज थिनर देन अ हेयर बाल से पतली शार्पर देन अ सोर्ड तलवार से ज्यादा जो है ना शार्प जहन्नम के ऊपर से गुजर रही है इसके क्लॉज हैं इसके हथकंडे हैं और इसके हॉर्न इसके थॉर्न्स हैं इसके कांटे हैं और इसके जो है ना ये लोगों को पकड़ पड़ रहे हैं घिराएगी आपस में लोग डिफरेंट स्पीड से गुजरेंगे अपने अहमाल के मुताबिक जो नेक लोग होंगे जो नेक अहमाल वाले होंगे वो तो लाइट की स्पीड से गुजर जाएंगे और फिर लोग घोड़े की स्पीड से ऊंट की स्पीड से मुख्य मतलब स्पीड से गुजर रहे होंगे कुछ लोग चल रहे होंगे कुछ लोग बैठ के रींग रहे होंगे कुछ लोग चलते होंगे फिर रुकते होंगे कुछ लोग चलते होंगे फिर रुकते होंगे और कुछ लोग उसमें से कट के घिर जाएंगे हर बंदे को लेकिन उसके ऊपर से गुजरना है और बहुत मुश्किल मर रहा है यहाँ पर भी कुछ लोग कट के गिरेंगे अगर उनके अमाल ना होए उनके अहमाल बहुत थोड़े हुए उनको ना बचा सके जहनम की हनाकियों से और पुरस्त की मुश्किल से कुछ लोग क्रल करते करते गुजरेंगे ठीक है आखिरी जो टेस्ट होगा अभी भी टेस्ट खत्म नहीं हुआ आखिरी टेस्ट इज कंतरा कंतरा वो जगह है जहां पे मुसलमानों का आपस में हिसाब किताब होगा आपस में दिलों को क्लियर किया जाएगा पूछा जाएगा हाँ जी कोई है जुल्म है? मनिल मेरी उम्मत का कौन है? का, वो शख्स है जिसके पास दरम और दिनार थे लेकिन नहीं, नहीं मेरी उम्मत में मुफलिस वो शख्स है जो की क्यामत के दिन बड़े बड़े अहमाल लेके आया पहाड़ों जितने बड़े अहमाल थे लेकिन किसी पे जुलम किया हुआ उसने किसी की चुगली की थी किसी की हिबत की थी किसी को ताना दिया था किसी के बारे में बैक की थी लोग आएंगे उससे उसके नेक अमान लेते जाएंगे लोगों की लाइन लग जाएगी या यालाश ने मुझे पैसा किया था एक एक उस दिन पैसा तो है कोई नहीं उस दिन दर्म दिनार तो है कोई नहीं उस दिन करंसी क्या है नेकिया इस बंदे की नेकियों को उस, उन पर डाल दिया जाएगा खुश हो खुश है यार अब जाओ और भी लोग आ गए या इसने हमसे ही किया था उसके नेकमाल को इस पे खुश होतीमाल सब खत्म हो जाएंगे अल्लाह मुस्तान और लोग अभी भी बाकी होंगे मुझे ताना दिया था मुझे बुरा भुला कहा था अल्लाह तुम लोगों के बुरे अमाल उठा के इनके इससे कंधे पे डालते जाएंगे हत्या की ये शख्स कितना बड़ा लूजर है ये इंसान जो कि कंतरा तक पहुंच गया नेक अमाल पहाड़ जितने लेकिन यहाँ पे अपने जुल्म और जाति मुसलमानों को तकलीफ और दुख पहुंचाने की वजह से इसको यहाँ से भी जानने में डाल दिया जाएगा कितना बड़ा लूजर है ये इंसान दिस पर्सन इज द रियल बैंक नमाजें तो पढ़ता रहा रोजे तो रखता रहा कुरान सारा दिन कुरान पढ़ता था लेकिन जब बोलता था लोगों को ताना देता था लोगों को डांटता था लोगों की बेजती करता था जुलम और ज्यादा करता था अल्लाह मुस्तान ऐसे लोगों से बचाए अपने अमाल को बचाएं अपने अमाल को बचाएं, तो यहाँ से भी जो लोग फारिग हो जाएंगे अल्लाह ताला यहाँ पे लोगों के मुसलमानों के दिल आपस में पाक साफ कर देंगे कोई गिल कोई तंगी नहीं होगी लोगों के दिलों में और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फिर अल्लाह सुब्हानहु तआला वसीक अल्लज़ीन तक़ौ ربهم इला अल-जन्नत حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين الله أكبر लोगों को यहाँ पे एहस्कॉट करके सवारियों पे ले जाया जाएगा अल्लाह के नबी नबीम सबसे आगे होंगे रोज होंगे जन्नत के दरवाजे ह्यूज होंगे लेकिन क्राउडेड और भरे हुए होंगे इनको ले जाया जाएगा वो जाहा जब वो दरवाजे की तरफ आएंगे अल्लाह के नबीम दरवाजे को नॉक करेंगे कौन है फरमाया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आपके लिए ही इजाजत है ना आपसे पहले आज तक कोई जन्नत में दाखिल हुआ ना इसके बाद ना आप ना आपसे पहले कोई इंसान ना कोई जिन दाखिल हुआ है इसमें से कि आप हैं जिनके लिए ये इजाजत दी गई है अल्लाह खोले जाएंगे और लोगों के साथ दाखिल होंगे रोज में बफूती अबाबूआ वहाँ के लोग वेलकम करेंगे वकाल खजन तुम पे सलामती हो पीस भी ऑन टू यू तुब तुम तुम लोग प्योर हो फतखुल्ह खालीन अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रहो तुम लोग प्योर हो प्योर लोग जन्नत में जाएंगे इमप्योर लोग जन्नत में नहीं जाएंगे एंड दिगेस्ट इम्प्योरिटी अपने गुनाहों को इन रमजान की रातों में बख्शवा लें वाला ही बख्शवा लें अपने आंसुओं से बख्शवा लें अगर हमने गुनाहों को अपने रब को मना के और रो के और पछता के और आंसू बहा के ना बख्शवाया ना माफ करवाया तो इस दुनिया की मुश्किल और टॉर्चर और मुसीबतें गुनाहों को मिटाती हैं हार्ट फ्रैक्चर हो जाना टांग फ्रैक्चर हो जाना किसी की वफात मुश्किल मुसीबत हता कांटा भी झुकता है ना इंसान गुना माफ होते हैं ये चीजें इंसान गुनाहों को माफ करती हैं और मिटाती हैं तो बेहतरी आंखों से आंखों के आंसू से मिटा ले पछता लें यारे तुँ ले, मुझे माफ़ करते मैं तो करता हूँ बेशक आप ही गुनाह माफ करने वाले और मैं गुनाहों की तरफ कभी नहीं जाऊंगा यारदा करता हूँ ना किया तो इस दुनिया की मुश्किल और मुसीबतें मिटाएंगी तब भी गुनाह हुए और बचे रहे और माफ ना हुए तो कबर का आजाब और टॉर्चर और मौत की सख्तियां उस गुनाहों को मिटाएंगी अगर तब भी ना हुआ तो फिर क्यामत के दिन की हल्ला किए और पसीने में गौते और उस दिन का आजाब और सूरज का पास होना और मुश्किल गुनाहों को मिटाएंगी और अगर तब गुनाह ना मिटे हुए तो फिर पुलसरात की सख्तियाँ और अगर तब भी ना हो तो कंतराब की सख्तियाँ और अगर तब भी ना हो तो फिर जहन्नम का आजाब जहन्नम की आग अल्लाह अकबर नारहन्नम शर्रा जहन्नम की आग है बता दें कि वो बहुत शदीद है बहुत सख्त है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसमें रहना उसमें जाना अगर जहन्नम की जो आग है फिर इंसान गुनाहों को पाक करेगी तब जिसके दिल में ईमान हुआ वो जन्नत में जाएगा एंड लदीमेंड तो इससे पहले इस दुनिया में तबा कर लें और वह सब ने सब ने हाजिर होना है एक आवाज़ होगी जो सबको हाजिर कर देगी खड़ा कर देगी और आखिरत का जो तस्करा है वो इंसान को झंझोड़ने के लिए बहुत काफी है कि मैंने और अपने आखरत में अल्लाह के पास जाना है ये तैयारी करनी है मैंने अपने, अपने अमा लामे को बनाना है क्योंकि उस दिन वो मेरे यही काम आएगा शेख शेखी फरमाते हैं कि लोगो एक दिन आने वाला है कि जिस दिन हर शख्स ख्वाहिश करेगा कि काश काश मेरे नाम में एक नेकी ज्यादा होती और एक गुना कम होता और वो दिन दूर नहीं है वो दिन दूर नहीं है कब शुरू हो जाएगा हमारा का दिन जब हमारी मौत आती है कुछ बदूआया रसोल्ला मत अः अल्लाह के नबी क्यामत के दिन कब आएगा फरमाया कि उनमें से एक छोटा बच्चा भी था और फरमाया कि जब ये तुम्हारे जितने तक पहुंच जाएगा तुम्हारी उम्र तक पहुंच जाएगा तो उम्मीद है तुम्हारा क्या के दिन आ चुका होगा इज दैट मीन कि जब वो बड़ा होगा तो तुम्हारी मौत आ चुकी होगी और जो मौत है वो क्या मत सोहरा है छोटी क्या मत है और इंसान की आखिरत शुरू और मौत कब आनी है कुछ नहीं पता आज रात कल रात परसों रात बहुत से लोग रमजान में फौत हो रहे हैं मुझे पता चल रहा है बहुत से लोग रमजान से पहले फौत हो रहे हैं और क़यामत की निशानियों से एक निशानी है कि सडन सडन पता नहीं चलेगा लोग कब जा रहे हैं से। तो उन लोगों में से बने जो तैयारी करके रखें उन लूजर्स में से कभी ना बनिएगा कि जो मौत के बाद कहें हम वो अमाल करेंगे जो हम छोड़ के आ चुके थे कल्ला अभी कैसे कभी ऐसा नहीं होगा इन इन्न, इन्ना इन्ना हुआ काली मतन हुआ ये तो एक बात तो है मुंह से निकालते हो ऐसे कभी होने वाला नहीं है और फिर कबर से उठते अपने कपड़े झाड़ते और अपना नाम ए तोहा तूने जो रब से कबर में वादा किया था कि मैं नेक माल करूंगा मुझे दुनिया में वापस भेज दे अल्लाह ने तेरा तेरा वादा पूरा कर दिया तेरी दुआ सुन ली अब अपने वादे को पूरा करना अब अपनी इस दुआ को पूरा करना और अब वो अमाल करके जाना कि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम भी राजी हो तुम्हारा भी तुमसे राजी हो दुनिया में जब हम आए थे तो हम रो रहे थे लोग हंस रहे थे और जो बच्चे का रोना जिंदगी की निशानी है और अगर बच्चा ना रोए तो उसको नर्स मारती है कि रो ताकि सांस चलने शुरू हो जिंदगी ऐसी गुजारे कि जब आप इस दुनिया तो क्या ही बेहतरीन, बेहतरीन शख्स था ये काश ये इस दुनिया में और कुछ टाइम गुजार जाता तो मजीद कुछ लोग इसे फायदा उठा लेते हैं एंड दिस वर्ल्ड वुड है प्लेस टू लिव मेक श्योर कि हमारे इस दुनिया में रहने से हमारे इस दुनिया में होने से हम अपने आप को फायदा पहुंचाएं और लोगों को फायदा पहुंचाएं डोंट बी ऑफ पीपल जो कि दुनिया से जाएं तो किसी को परवाह ही ना ऑफर के ना पड़े अल्लाह के लिए खालिजन काम करें लेकिन अल्लाह के दीन के काम करें अल्लाह के दीन पर चल के जाए एंड देर आर समीपल हुआ नो बड़ी जो कि दुनिया में तभी तो कोई नहीं जानता उन्हें लेकिन अल्लाह तलायका जबरील मिकाल इसराफील मलक सब उस बंदे से मोहब्बत करते हैं और उसको जानते हैं अल्लाह तुम ऐसे लकी लोगों में से बना देंदीन मिनबी वही जिनपे तू इनाम किया जिनके हर नमाज में हम दुआ मांगते हैं जिनका रास्ता किन का रास्ता सरातना जिन पे तुम्हें इनाम किया हम पे भी इनाम कर दे अल्लाह हम पे भी इनाम कर दे अल्लाह हम पे भी इनाम कर दे इस रमजान के महीने में और हमें भी बख्श दे हमें भी ऐसे नेक लोगों में से बना दे सिद्दीकीन में से शहादा में से सालीन में से अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए अल्लाह ताला हमें मदीना में शहादत की मौत नसीब फरमाए अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाह से पाक कर दे हमें ऐसी बाबरकत और पाकिजा जिंदगी अता करे कि जो गुनाहों से पाक हो जब भी फिसले इंसान तो वापस तौबा कर ले जब भी फिसले इंसान तोबा कर ले और तोबा इज लवली अल्लाह ताला को बहुत पसंद है तोबा अब गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था अल्लाह अलैकुम अल्लाह तो कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम्हें माफ कर दू मैं चाहता हूँ तुम्हें माफ कर दूँ तुम तो माफ़ी मांगने वाले बनो लोगों फफर उ अपने रब की तरफ वापस आ जाओ अपने रब की तरफ वापस आ जाओ और ये रमज़ान बहुत बड़ा मौका है कि हमें इरादा करें कि हमने अपने रब की तरफ वापस जाना है अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में से बनाए और हमारा यहाँ पे बैठना कबूल फरमा दे और हमें हर किस्म की मुश्किल परेशानी से बचा ले दुनिया की मुश्किल से बचा ले आखिरत की हौलाकियों से बचा ले मौत ऐसी दे कि हम राजी हों और फरिश्ते हमें कहें या मतम रब की रजवान और जन्नतों की तरफ अल्लाह तला राजी हूँ और हम भी उससे राजी हूं अमीन रबीन अल्लाह तम सबको बेहतरीन तरीके से ये दुनिया में रमज़ान में इबादत करने की तोफीक दे और आखिरत में हर किस्म के फितने से बचाए मौत के सख्तियों से बचाए कब्र की हल्लाकियों से बचाए क़यामत के दिन की सख्तियों से और परेशानियों से बचाए जहनम की आग से बचा लें अपने लिए दुआ किया करें जरना मिन नारा नार अल्लाह नार्ला तमाम सबको जहनम की आग से बचा ले क्योंकि जहनम खुद पनाह मांगती है उस इंसान से उसको कहती है अल्लाह इसको मुझसे बचा ले जो शख्स तीन दफ़ा दिन में जहनम की आग से पनाह मांगता है और वो शख्स जो जन्नत के लिए दुआ करता है अल्लाइन सलुकन्नतर जहनम कहती है कि अल्लाह इसको मेरे में दाखिल कर दे तो अपनी लिकसतर से दुआएं मांगे या अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे मुझे जहनम की आग से बचा ले क्योंकि असल कामयाब वही है जो जहनम से बचा लिया गया और जन्नतों में दाखिल कर दिया गया अल्लाह तला आप लोगों का पेशेंस आपका बैठना हमारा दीन को बताना और पढ़ाना सब कबूल फरमाए और हर किस्म की गलती कोताही से हमें माफ़ फरमा दे आई नो टीडेड फॉर माई सेल्फ क्योंकि मैं तो अपने लिए करता हूँ शायद मुझे कुछ शर्म आए मुझे कोई सीखने को मिले मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं और इन उम्मीद है आप लोग भी इससे फायदा उठाते होंगे अल्लाह तला हम सब को भी जिस तरह हम आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हैं जमा हैं अल्लाह अल्ल तब को जो जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक कमेंट किया जिन्होंने आज तक कोई वीडियो देखी जो आइंदा भी कभी देखेंगे इसको अल्लाह ताला हम सबको और अल आला में इकट्ठा होना नसीब फरमाए और क्या ही वो टाइम होगा जिसमें हम ये याद करें जिसमें हम ये जिक्र करें कि दुनिया में हम ऐसे रमज़ान में माई बेटर वर्जन की सीरीज़ पढ़ते थे पढ़ाते थे हम सीखते थे सिखाते थे आज अल्लाह ताला की जन्नतों में हम अल्लाह अकबर वट अटी और क्या ही दिल में खुशी और हैप्पीनेस होगी कि जब दुनिया में हम अल्लाह को राजी करने के लिए कोशिशें रहे थे और इन यादों को हम जन्नत में अल्लाह ताला की ब्लैसिंग में इन चीज़ों को याद करें अमेजिंग अल्लाह अकबर अल्लाह तब को फैजल नसीब फरमाए और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल उन्ह नसी फरमाए

So share this video with your friends and family members on your Facebook, on your WhatsApp groups, and um, tag your friends as well in this video. And let me take a few questions as well. Yeah. Messages speed 8, 180 ho chuki. Alhamdulillah. Allah Mubarak. एक एक क्वेश्चन है मुनीब पूछ रहे हैं कि यू सेड पीपल विल बी पीपल विल बी फर्स्ट आस्क्ड अबाउट नमाज एंड इफ दे डेंट ऑफर दे विल बी थ्रो इन टू द हेल देखिए नमाज दीन का बेसिक पिलर है दीन का सतून है जिसके नमाज कंप्लीट ना हो ये कंपलसरी क्वेश्चन है दिस इज अ कंपलसरी क्वेश्चन बिहाइंड दिस यू गिव अप वाजदाव कर रहा हम देखिए ना हमने अगर 5th से 6th क्लास में जाना हो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं अगर आपने उनको पास ना किया तो आप आगे नहीं जा पाते फॉर एग्जाम्पल मिसाल इंग्लिश का अगर सब्जेक्ट कंपलसरी है अगर आपने इसको पास ना किया तो आप आगे नहीं जा पाएंगे इमेजिन आप बाकी उर्दू इस्लामियात मैथ्स हंड्रेड मार्क्स ले रहे हैं सब में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड और इंग्लिश में आप फेल हो जाए विलोटेड टू नेक्स्ट लेवल नहीं देखिए एक्सेप्शन आर एवरीवेयर एवरी पेयर अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर लेकिन जो हमें कुछ प्रिंसिपल्स मिलते हैं ना प्रिंसिपल वो हमें ये मिलते हैं अल्लाह तला तो चाहे तो किसी ऐसे इंसान को भी माफ कर दें जिसने आज तक तो एक नमाज नहीं पढ़ी उसको कौन पूछने वाला है और कुछ अदीस में ऐसी रिवायत आती भी हैं लेकिन वो अल्लाह पे देखिए डोंट रिस्क इट डोंट रिस्क यू आखिर देखिए मैंने और आपने सेफ प्ले करना है हमने ये नहीं रहना कि मैं उस हदीस पे डिपेंड करके मैं हालांकि ऐसी हदीस भी है कि जो शख्स नमाजें और नेकिया करके और आ, नेक लेके आएंगे लेकिन उनके प्राइवेट होंगे अल्लाह ताला उनके तमाम नेक अमाल को हबा बना देंगे मैं आपको हदीस सुना देता हूँ कहते हैं तो बताएं वो कौन लोग हैं जिनके नाम अमाल को अल्लाह मिट्टी बना देंगे रेत के ज़रात बना देंगे जिनके नाम अमाल कैसे होंगे पहाड़ों जितने बड़े चमकते हुए होंगे अलगमी ने कहा कि तुम्हारे वो भाई हैं मीन अखवा जल्दत कुमार खजून कमा थाजून लईल वो, वो, वो रात को उठते होंगे जैसे तुम रात को उठते हो तुम्हारे भाई हैं तुम्हारे स्किन कलर के हैं लेकिन क्या करते होंगे मतलब तहजुद की नमाज ही पढ़ते हैं ये लोग फर्ज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं लकमी तहजुद की नमाज ही पढ़ते हैं ये लोग लेकिन क्या करते होंगे जब अकेले होते होंगे तो परवानी करते होंगे और गुनाहों में होते होंगे ऐसे लोग भी हैं और ऐसे हदीस में भी आते हैं कि अल्लाह तानिया औरत को और फ्वाहिश औरत को कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से बख्श दिया और भी कुछ रवायत आती हैं जिसमें एक इंसान ने अपने बेटे को कहा कि मेरी मेरी लाश को जला के मुख्य जगहों पर फेंक देना लेकिन उसमां के बारे में बात यह करते हैं कि वो तोहद वाला था और दूसरी कमियों को थी वो तो वाला था वो शेक नहीं करता था अल्लाह ने दिया तो एक्सेप्शन एवरीवेयर लेकिन हमने अपने हमने, हमने सेफ प्ले करना है ना हम दुनिया में तो बहुत सेफ प्ले करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बिजनेसेस करते हैं हम कहीं बैंक ना हो जाए गरीब फकीर ना हो जाए ये ना हो जाए द द इज बिगेस्ट मैटर तो उसके बारे में काफी सेफ प्ले करें और हदीस में आता है कि नमाज के बारे में बहुत सवाल किया जाएगा जजाकमल खैर इखवान फॉर योर फॉर योर क्वेश्चन एंड फॉर योर फीडबैक अल्लाह तला आपको बेहतरीन जजाय खैर दे जजाक खैर अतीक मलिक आपके बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा ये जो लोग कहते हैं कि अल्लाह तकूक लाला को तो माफ़ कर देंगे हकूक लिबाद को माफ़ नहीं करेंगे <coughs> देखें देखिये हकूकल्ल और हकूक लिबाद दोनों हकूकल में से है किसने फर्ज किया कि माँ बाप से चाखलाक करो अल्लाह ने फर्ज किया तो ये अल्लाह त हक है किसने फर्ज किया कि पड़ोसियों से पड़ोसीयों को दुख ना दो अल्लाह तारा ने फर्ज किया तो ये अल्लाह तला का हक है जो तेज दिए हैं है वल्ल तकूक है हम हकूक इबाद इसलिए क्यों कहते हैं कि अल्लाह जो मामला है लोगों से कंसर्न मामला है लोगों के ठीक के है माफ करना चाहिए कर सकते हैं अल्लाह तुम बात है कभी माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह तहे तो माफ़ कर सकते हैं क्यामत के दिन अल्लाह तला जिस शख्स पे जुल्म ज्यादा की होगी उस किसी बंदे ने उसको उतना रिवॉर्ड देंगे कि वह राजी हो जाएगा और इसको भी माफ कर दें बन्नी इसराइल का जो वो शख्स आता है जिसने नन्यावे कत्ल किए थे फिर सौ कत्ल कर दिए और फिर एक आलम से पूछा मैं क्या करूँ उसने कहा जाओ नेक लोगों की बस्ती में जाओ तो बस तक फार करो अब कत्ल से बड़ा कोई हकूक की का गुना है नहीं लेकिन अल्लाह ताला उसमें हदीस में तो नहीं आता कि उसने हर घर वालों से जाके माफी मांगी कि आपके बेटे को मैंने कत्ल किया आपके बाप को मैंने कत्ल किया मुझे माफ़ कर दें सच्ची तौबा की और अपनी लाइफ को चेंज करने का प्लान कर दिया अल्लाह ताला ने तुम माफ कर दिया बच्च दिया ठीक है हकूक अल्लाह को देखिये मैं आपको बात की है कि इबाद को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन मांगनी चाहिए तौबा की तीन शराय है अगर वो गुना से रिलेटेड है और चार शरात है अगर हकूकल से, से है तो शर्मिंदगी और निदामत गुनाह पे दूसरी शर्त अः इमीजिएट लिविंग ऑफ एंड तीसरी शर्त आइंदा कभी ना करने का इरादा करना और अगर हकूक इबाद में से तो चौथी शर्त भी उसमें होगी कि उस बंदे से माफी मांग लेना उस बंदे को उसका माल वापस कर देना उसको उस पर जुल्म किया था उसकी वो उसको वो बुरा अदा कर देना इंशाल्लाह ठीक है तो ये है बाकी गारंटी तो नहीं है कि अल्लाह अल्लाह को, को माफ कर दे तो गारंटी नहीं है एक शख्स वो जो हदीस में क्या है मैं आपको बताई तो है कि जिसमें सत्तर साल का होगा एक नमाज कबूल अतर नहीं करेंगे ये हुकूक अल्लाह में से है हुकूक बाद में से है हुकूक अल्लाह में से है अल्लाह स एक नमाज कबूल नहीं करेगा क्योंकि नमाज को नमाज की चोरी करता होगा वो सजदे और प्रॉपर नहीं करता होगा वो शख्स जिसके गुनाहों को जिसके नेक अमाल को मिट्टी बना दीजिएगा जरात बना दी जाएगा वो अकेले में गुनाह करता होगा अब अकेले में गुनाह करना में से है में से है, है। अल्लाह नेक अमाल को जरात बना देंगे तो चाहे हकूक लिबाद है चाहे हकूक अल्लाह है गुनाह गुनाह है उनसे बचें हर किस्म गुनाह से बचें इस तरह मत लाइफ गुजारें कि खेरा जी, खेरा, जान जी, मसला नहीं है, और राजी करने के लिए कोशिश करते हैं वो चाहते हैं कि अपने आपको राजी करें लेकिन जो बागी है जो जानबूझ से गुनाह कर रहे हैं जो जिद्दी है उनको अल्लाह चाहे माफ कर देखिन हमें अपने आप को बचाना चाहिए हमें हर किस्म के मुश्किल से हर किस्म के बुरे मामले से अपने आप को बचाना चाहिए हम्म hmm. लॉकडाउन में आप ईद की नमाज चाहे तो घर मतलब नहीं नहीं पढ़ने जा सकते ठीक है ईद की नमाज फर्ज कफाया है आ, कुछ लोग मोहल्ले के अदा कर लें तो काफी है ताला। आप चाहे तो ना जाए हम फर्ज नमाजें घर में हैं ईद की नमाज तो फिर फर्ज कफाया है पढ़ना लाजिम नहीं है जो फर्ज ना फर्ज अफजल है <coughs> नफल से स्ट्रगलिंग विद अट्रैक्शन अपोजिट जेंडर मेरे कुछ लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे आप वो देख सकते हैं इनशाला ऑन शेमलेसनेस ऑन डिफरेंट और भी हैं एक मेरा लेक्चर है कंट्रोलिंग द बीस्ट विद इन समथिंग लाइक दैट वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब सुनिएगा इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग अबाउटिंग लेट मी टेक आप भी देख मैं कितने गुस्से बढ़ता हूँ परमानेंटली yes, जो शख्स जन्नत में दाखिल हो गया वो फिर कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा और जो लोग शिर पे मरेंगे जो लोग कुफर पर मरेंगे वो हमेशा हमेशा की जहन्नम में होंगे जो मुसलमान हैं इन शाली जिनके दिल में ईमान है वो इन शाल एक ना एक दिन अपनी सजा काटने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाएंगे लेकिन उन लोगों में से मत बनने की कोशिश करें जो कि जन्नत में जाना भी गवार करें वाट अबाउट कजा नमाज कज़ा नमाज अगर कजा हो जाए तो जब भी याद है फौरन से पढ़ लें और जो अगर साल पहले ही कुछ नमाजें कजा हैं तो जो आज कल में हुई हैं उनको कजा पढ़ लें और बाकी ये जो है ना वो क्या बोलते हैं नमाज को वो जो नमाज मुझे पूरी कहीं से साबित नहीं है अल्लाह फान तला हमें नहीं मिलता इसकी रेफरेंस से नहीं मिलते उम्री के तोबा करें इस्तफाल करें इन शह तमाम नमाजों को माफ सिर्फ नहीं कर देंगे बल्कि उनको नेकियों में तब्दील कर देंगे तो इनशा तला से माफी मांगे और वो करें

आ कवर करते आ रहे हैं अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन पे अमल भी करें तो जो लोग आ, पिछले से, 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 सेशन को देखना चाहते हैं वो इन शाह फेसबुक और यूट्यूब के जो पिछले सेशन हैं उनको देख सकते हैं कुछ लाइव थे कुछ अपलोडेड थे यूट्यूब पे फेसबुक पे तो सारे ही लाइव थे जजाक अल्लाह खैर एवरीवन बारकल्लाफिकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका